हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पुनी सुपरस्टार से रिलेटेड। तो गाइज, आपको पता होगा अब पुनी सुपरस्टार बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं। तो गाइज, पुनी सुपरस्टार लाइव आए थे ओए इंदौरी के साथ और उन्होंने बिग बॉस को एक्सपोज किया और रिप्लाई भी दिया एमसी स्टैन को। आपको पता होगा एमसी स्टैन ने उनके कॉन्टेंट को क्रिंज बोल दिया था, तो उन्होंने क्या कहा ये देखिए आप। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जियो सिनेमा आईपीएल के बाद मैंने अनइंस्टॉल मार दिया था। जिसके साथ धोखा होता है, जिसके साथ गेम फिक्स किया जाता है, तो उसको अनइंस्टॉल मार दो। जितना अनइंस्टॉल मार सकती हो मार दो भाई। भाई यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, बस यही वाली बात है। टैलेंट की भाई कदर नहीं होती, और जहाँ पे टैलेंट होता है उसको पैसे से और सोर्स से और पैसे। अभी आप बताएं कि क्या चीजें हो गई ऐसी जो आप पहले दिन बिग बॉस के घर से बाहर आए? भाई हुई, दरअसल मेरा टैलेंट लोगों से झेला नहीं गया और मैंने एक ही दिन में जो है आग लगा दी और पता लग गया था कि ये शो का विनर है और ये शो जीत जाएगा। इसलिए लोग डर गए और लोगों ने अपने जो है सोर्स का सहारा लेकर तो और मेरे को जो है घर से बाहर निकलवा दिया जानबूझ के। टैलेंट की कदर नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और यहाँ हम गरीब बंदों की मेहनत नहीं है, गरीब बंदों का गरीब लोगों का टैलेंट नहीं है भाई। हकीकत बात बताऊं इंदौरी भाई, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये बॉलीवुड की लाइन बिल्कुल नकली है, यहाँ पर इसको बिल्कुल भी मत देखो, ये बिल्कुल फेक है। क्योंकि आदमी, क्योंकि मैंने ये देखा है बॉलीवुड में आके आदमी डिप्रेशन में आके क्यों करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं कि जब बॉलीवुड में बंदे आते हैं ना तो उनसे उनका हक छीन लिया जाता है एक दो फिल्में लेने के बाद उनसे। जियो सिनेमा ने बिग बॉस वाले ने पब्लिसिटी के लिए मुझे बुलाया, पब्लिसिटी मिल गई, लाखों लोगों ने डाउनलोड करा, उसके बाद जो है मुझे उन्होंने बाहर कर दिया जहां पब्लिसिटी मिल गई। पुनीत भाई, साइरस बरूचा के बारे में हमें बताओ कि भाई वो कैसे इंसान है और क्या है? भाई मैं इंसान, देखो मेरी बात सुनो, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक दिन घर में रहा हूं और मेरे को इंसान के बारे में एक दिन का नहीं पता लगता। लेकिन इतना मुझे पता है कि भाई मेरा टैलेंट देख के सब डर गए और गेम फिक्स कर दी, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कम से कम ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपए खिलाया गया है भाई मेरे को निकलवाने के लिए। इस बात का मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ भाई। अब बिग बॉस के किस्मत में होगा तो पुनीत भाई फिर रिटर्न जाएगा, नहीं तो बिग बॉस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, और शो की टीआरपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई डाउनलोड नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है क्योंकि गेम फिक्स कर दी गई। तो वहां पर जो बैठे लोग थे उन्होंने आपको 10वें नंबर पे क्यों किया? भाई मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि सारी जलन सड़न और पीछे से पैसा खिलाया गया भाई। एमसी स्टैन ने आपको छपरी बोला, इस बारे में बिल्कुल भाई एक बार बताओ, उसके गाने खुद के छपरी है, एक बार बताओ उसके गाने हमें समझ में आते हैं, हमें उसके गाने खुद समझ में आते हैं। आखिरी सवाल हो रहे पब्लिक को, ये बता दो रिटर्न कब आ रहे हो? भाई रिटर्न बहुत जल्दी होने वाली है, रिटर्न और नहीं भी हुई तो यार इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोग प्यार करते हैं, यहीं अपना प्यार दिखाएंगे, यहीं से ही उठे थे, हमें बॉलीवुड बॉलीवुड वालों की जरूरत नहीं है भाई। तो गाइस, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऑलराइट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।